दोस्तों, क्या आप अपने कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट चलाना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट चलाते कैसे हैं? अगर आप नए नए कंप्यूटर को चला रहे हैं और आपने कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट कभी नहीं चलाया है तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिसके जरिए आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर इंटरनेट को चला पाएंगे। इस वीडियो को जरूर आप पूरा देखें, काफी हेल्पफुल वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन और आप देख रहे हैं SGS एजुकेशन यूट्यूब चैनल। चलिए अब हम जानते हैं कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर इंटरनेट चलाने के 3 बेस्ट तरीके। नंबर 1, दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर के अंदर लैपटॉप के अंदर वाईफाई है, हॉटस्पॉट है तो उसके जरिए आप इंटरनेट चला पाते हैं। छोटा छोटा क्लिप में आपको स्क्रीन पर दिखाता चलूंगा कि कैसे आपको क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको मोबाइल के अंदर हॉटस्पॉट को ऑन कर लेना है और कंप्यूटर के अंदर वाईफाई को ऑन कर लेना है। उसके बाद में आपका जो हॉटस्पॉट है वो शो करने लगेगा कंप्यूटर के अंदर और आप इजीली अगर पासवर्ड है तो पासवर्ड एंटर करने के बाद कनेक्ट कर पाएंगे और कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट चलने लगेगा। दूसरा तरीका, दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर के अंदर वाईफाई नहीं है, हॉटस्पॉट नहीं है, नॉर्मली लैपटॉप के अंदर होता है लेकिन अगर आपके पास डेस्कटॉप है, सीपीयू लगा हुआ है, उसमें दोस्तों अगर वाईफाई नहीं होता है तो दूसरे तरीके के अंदर आप USB टेथरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपने मोबाइल के अंदर पिन लगाकर USB को CPU के अंदर लगा देना है। उसके बाद में आपको स्क्रीन पर ऑप्शन आता है USB टेथरिंग का, उसको आप क्लिक करके उसके बाद इंटरनेट को ऑन रखें, आपका यहाँ पर जो कंप्यूटर है उसमें इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आप क्रोम के अंदर इंटरनेट को चला पाएंगे। दूसरा तरीका भी है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट तरीके पर, तीसरा तरीका। अगर आप USB टेथरिंग की मदद से इंटरनेट नहीं चलाना चाहते हैं या फिर वाईफाई जो आपके कंप्यूटर में है वो भी नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बाजार में मिलने वाले वाईफाई अडैप्टर का इस्तेमाल करना है। वाईफाई अडैप्टर काफी सस्ते हैं, 200 से 300 रुपए में आपको मिल जाता है और बेस्ट वाईफाई अडैप्टर कौन सा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, उसको आप परचेज कर सकते हैं और आप अपने कंप्यूटर के अंदर देखिए इस तरीके से आप वाईफाई और हॉटस्पॉट बना सकते हैं। एक आपको USB एक छोटा सा पेन ड्राइव जैसा मिलता है उसको आपको CPU के अंदर लगा लेना है। उसके बाद में यहां पर आपको वाईफाई और हॉटस्पॉट शो करेगा। अगर आप एक बार वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आप हॉटस्पॉट ऑन करके सभी जगह पर इंटरनेट फैला भी सकते हैं। तो एक तीसरा तरीका है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वायरलेस से पूरी तरीके से आप बस फोन के अंदर वाईफाई ऑन रखिए और इसके अंदर आप दोस्तों इजीली इंटरनेट को चला पाएंगे। यानी कि आपको हॉटस्पॉट फोन के अंदर ऑन करना है और वाईफाई यहां से ऑन करके आराम से इंटरनेट चला पाते हैं। तो ये 3 तरीके थे जो कि आप जरूर से इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा तरीका एक और है जो मैं आपको बता देता हूं, आप लैन केबल की मदद से भी इंटरनेट चला पाते हैं। उसके लिए आपकी इंटरनेट केबल होना जरूरी है जो कि काफी सारे लोगों के नहीं होती है, इंटरनेट कनेक्शन वगैरह नहीं होता है, तो वो तरीका भी है, अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाने हैं कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर इंटरनेट चलाने के 3 तरीके और चौथा ऐसे ही था जो कि आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप नए नए हैं, इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो इनका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और SGS एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर से प्रेस कीजिएगा। मैं अर्जुन फिर मिलता हूँ ऐसे नए वीडियोज के साथ। नमस्कार।